आज हम मेंस ओर्नामेंट, पंजाब के मेंस ओर्नामेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेसेस किए हैं पंजाब के, प्लेसेस ऑफ पंजाब। ठीक है, उसमें हमने म्यूजियम्स किए हैं और फोर्ट करे हैं जो एग्जाम लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने प्लेसेस, म्यूजियम्स और फोर्ट्स करे हैं लास्ट लेक्चर में, और आज हम मेंस ओर्नामेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड वुमेन्स। पहले हम मेन करते हैं। ठीक है, आपको मैंने इस तरह से बना दिए हैं कि याद करना इजी हो जाएगा। जैसे हेड, ईयर, रिस्ट, नेक, जो आपको इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा, सारे इकट्ठे कर दिए मैंने। ठीक है, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसको मतलब कोई इधर हेड का, कोई नेक का, इस तरह से नहीं। हेड वाले एक साथ कर दिए, ईयर वाले, रिस्ट के और नेक के। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं सरपेश। सरपेश जो सर पे पहनते हैं, हेड मतलब इनको कहां पे पहना जाता है, हेड पे। ठीक है, कुतबलीदार, कलगी, मुकुट। कलगी मुकुट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कलगी मुकुट, सरपेश जो सिर पे कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको बांधते हैं कई लोग, उसको सरपेश बोलते हैं। कुतबलीदार, ये सारे सर पे पहनते हैं। ठीक है, मेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं ईयर्स। ईयर्स में ये देखो, बाली, बाला, ये आपको याद हो जाएगा। ये वीर बाली है, ये बाला है। ठीक है, तो ये ईयर में है। दो आपको याद करने हैं, दुर और मुर्की। दुर और मुर्की जो ईयर में पहनते हैं। बाली, बाला तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि ये ईयर में पहनते हैं, बट इसको आपने इस तरह याद रखना है कि ये मेंस का ऑर्नामेंट है, वीर बाली और बाला। ठीक है, मुर्की और दुर ये भी ईयर में पहनते हैं। अब गले में नेक ऑर्नामेंट, ठीक है, नेक गले में कौन कौन से पहनते हैं। फर्स्ट इज नम, तख्ती, चंद्रमा, कंठ। अब ये देखो, चंद्रमा और कंठ, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, जो गले में अब छोटे बच्चों को डालते हैं, कंठ भी छोटे बच्चों को, जो ये चांदी का बनाया जाता है, ये नजर ना लगे उसकी वजह से होता है, तो ये गले में पहनते हैं। तख्ती भी उसी तरह से होता है, एक नम आपको याद करना है। ठीक है, नम, तख्ती, चंद्रमा, कंठ, नम, तख्ती, चंद्रमा, कंठ, नम, तख्ती, चंद्रमा, कंठ, कहां पे, नेक। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचता है रिस्ट। रिस्ट के मतलब बाजू की कलाई, बाजू में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोंची, गोकरू। पोंची और गोकरू दो हैं, पोंची है, गोकरू है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपके मेंस ओर्नामेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन्स ओर्नामेंट। वुमेन्स ओर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब एग्जाम्स में पूछे भी गए हुए हैं काफी टाइम। ठीक है, फर्स्ट नेक, नेक पे हम मतलब गले में क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हस, मोहरा, होलदिल, कंडी, गुलबंद। गुलबंद तो गले को बंद कर दिया, गुलबंद तो पता लग गया ये नेक का है। ठीक है, होल दिल भी आप इस तरह से याद कर सकते हो कि ये दिल के पास ऊपर मतलब वहां पे पहनते हैं, तो ठीक है। अब कंडी, मोहरा भी गले में सिक्कों, धागे में सिक्के बांधते इस तरह से भी। ठीक है, हस, कंडी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरा मतलब। दिल तो दिल के पास है, नेक पे पहनते हैं इसलिए। गुलबंद गले को बंद कर मतलब गले में पहन लिया, गुलबंद हो गया। ठीक है, और मोहरा जो क्वाइंस होते हैं उनका बना होता है, वो हो गया कंडी। ठीक है, ये थे नेक के ऑर्नामेंट। अब हम बात करते हैं नोज के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोज के। नोज में सबसे पहले बुलक, फुल्ली,
बोहर लोंग, ठीक है ये चार है, बुलक फुल्ली बोहर लोंग। जो ये बोहर और बोहर और बुलक है ये नोज के सेंटर में बनते हैं, मींस यहाँ पे जो सेंटर होता है ये, जैसे ये नोज है नोज के यहाँ पे सेंटर पे बनते हैं, ठीक है। बुलक और बोहर दोनों के बी है, ठीक है फुली लोंग, ठीक है नोज का, ओके। अब हम आते हैं ये देखो फोरहेड, जो ये माथे पे जो टिक्का लगाते हैं उसको फोरहेड मतलब वो वहां पे पहनते हैं। एक डम्मी और बरबट्टा दो तरह के हैं, डम्मी और बरबट्टा, ठीक है। अब ईयर, ईयर पे कौन कौन से वह धैदू कंटाला खली फुम्मी डैडी, ठीक है। ईयर पे फुम्मी पहनते हैं, नोज पे फुल्ली पहनते हैं, ठीक है नोज पे नाक पे फुल्ली, ईयर मींस कान पे फुम्मी, खली फुम्मी डैडी कंटला और धैदू, ये आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं रिस्ट, रिस्ट मींस कलाई जो हाथ पे पहनते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पोंचिया बंका बैन झनकंगन, झनकंगन कंगन से तो आइडिया हो ही गया कि रिस्ट पे हाथ पे कलाई पे पहनते हैं, ठीक है। अब आ गया बेन, बंका बेन बंका ये हाथ पे पहनते हैं पोंचिया, ओके। अब लास्ट है हमारे पास हेड, सिर पे कौन से पहनते हैं, सिर पे जो वुमेन्स के ऑर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, चांक और मोली, मोली और चांक। मोली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है मोली, मोली भी बोहर भी पूछा गया, फुल्ली फुम्मी ये वाले, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले हैं ना, फुल्ली फुम्मी ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। कंडी गुलुबन मोहरा ये भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आपको आई थिंक ये सारे समझ में आ गए होंगे। करी है मेंस वुमेन्स ऑर्नामेंट के बारे में, ठीक है। मींस जो मेंस और वुमेन्स हैं जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो बॉडी के कौन से पार्ट्स पे पहनते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देख लेना, पंजाब के कई बार पूछे गए हैं ये है तो टफ, याद करना इतना इजी नहीं है, बट आ जाते हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये भी पूछे जा सकते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो ये भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है घड़ा, ठीक है फर्स्ट नंबर पे है घड़ा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगी, तुम्बा धद चिमटा, चिमटा जब भंगड़ा डालते हैं तो उसमें होता है ना, चिमटा तुम्बा घड़ा, सारंगी भी बजाते हैं, रबाब, रबाब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काटो, काटो जो इस तरह से भंगड़े में इस तरह से नहीं ऐसे ऐसे सा होता, ठीक है वो काटो होता है, रबाब रबाब भाई मर्दाना, भाई मर्दाना जी बजाते थे ना रबाब, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि भाई मर्दाना जी कौन सा साज बजाते थे, तो वो रबाब। अब जो नेक्स्ट है भुगचू अलगोजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलगोजा अलगोजा भी इंपॉर्टेंट है, डफली जो ये गोल होती है, ठीक है इस तरह से इसके ऊपर हाथ लगा के बजाते हैं, डफली सप टोस ये भी इंपॉर्टेंट है, टोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाई है, ठीक है टोस इंपॉर्टेंट है, डफली अलगोजा, ठीक है काटो रबाब सारंगी चिमटा तुम्बा घड़ा,
इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक ये ढड, ये थोड़ा मतलब नहीं सुना हुआ, भुगजू सब तो सुना हुआ है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।